हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। मैं शुभम आप लोगों के लिए जो है लेकर आया हूँ आज एक और शानदार 4 BHK फ्लैट, वो भी बढ़िया लोकेशन में और वो भी अच्छे स्पेस के अंदर। अगर हम बात करें अब लोकेशन की, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक शेयर और कमेंट्स में बताना है कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। अमृत विहार वैशाली नगर वेस्ट जयपुर में जो है आपको ये फ्लैट मिल जाते हैं। मेन अजमेर रोड से जो है, मेन अजमेर जो हाईवे है वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 200 फीट जो बाईपास है दिल्ली जयपुर वाला, वो यहाँ से इस तरफ में मात्र जो है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। गांधी पथ की अगर हम बात करते हैं इस तरफ से जो है 700 मीटर की दूरी के ऊपर है। अगर हम इस फ्लैट के एरिया की बात करते हैं 4 BHK की, तो 1901 स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया होने वाला है। एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो किड्स एरिया, रूफटॉप, ओपन जिम, पार्किंग, लिफ्ट, ये जैसी जो है सारी सुविधाएं आपको जो है यहाँ पर इस सोसाइटी में मिल जाती हैं। फुली फर्निश्ड फ्लैट आपको ये मिलेगा जैसा कि इस कंडीशन में हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और अगर हम बात करें प्राइसिंग की, प्राइसिंग बड़ी शानदार होने वाली है, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आप करिए इसका क्विक टूर और मिलते हैं आपको इसी वीडियो में आगे। दोस्तों हम करते हैं फ्लैट का डिटेल टूर। अगर हम एलिवेशन की बात करें बिल्डिंग की, इस तरह से जो है आपको एलिवेशन मिल जाता है बिल्डिंग का। अब हम देख लेते हैं पार्किंग एरिया को, वो जिस तरह से जो है काफ़ी बढ़िया और स्पेशियस पार्किंग एरिया मिल जाता है। बिल्डिंग को जो है सेटबैक छोड़ के बनाया हुआ है प्रॉपर। इस तरफ जो है आपको मिल जाती है लिफ्ट फॉर द फास्ट कम्यूट, और यहाँ से ले जाएंगी आपकी स्टेयर्स। स्टेयर्स में भी जो है काफ़ी बढ़िया स्पेस दे रखा है, और ये जो है हो जाएगा आपका वेटिंग एरिया आपकी बिल्डिंग के लिए कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें फ्लैट के पूरे इंटीरियर की, तो यहाँ जैसे हम एंटर करते हैं तो इस तरह से जो है आपको पूरी लॉबी मिल जाती है। यहाँ पे भी दो फ्लैट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इधर जो है यहाँ पे इन्होंने 2 BHK दे रखा है, इधर आपकी लिफ्ट आ जाएगी, और यहाँ जो है 3 BHK, और इधर जो है 4 BHK मिल जाता है। अब थोड़ा सा एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं हम लोग 2 BHK के फ्लैट का। तो इस तरह से जो है आपको पूरा ये 2 BHK फ्लैट मिल जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे 3 BHK वाले फ्लैट में, तो कुछ इस तरह से जो है आपको 3 BHK का फ्लैट मिल जाता है यहाँ पे पूरा। आगे की तरफ बेडरूम हो गए, इधर हो गया बेडरूम, ओपन किचन हो गई, इस तरह से आपका 3 BHK हो गया। अब हम पूरा डिटेल टूर करते हैं 4 BHK का। तो अब जैसे ही हम 4 BHK में यहाँ एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है आपका लिविंग एरिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया है। LED के लिए पैनल आप देखेंगे कितना बढ़िया और खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम यहाँ पे सीलिंग के डिज़ाइन की बात करें तो फॉल सीलिंग मिलती है आपको खूबसूरत विद एम्बिएंट लाइट। यहाँ पे आपका एल शेप्स जो है सोफ़ा आ गया विद सेंटर टेबल, और सामने भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपने शो पीसेस वगैरह रख पाएंगे। इस तरफ में आपका सेपरेट डाइनिंग एरिया हो जाता है जो कि आप देख सकते हैं पीछे वॉलपेपर का काफ़ी बढ़िया यूज़ किया है। और यहाँ जो है आपकी वैनिटी आपको मिल जाती है, और जो सारी फिटिंग्स हैं वो सारी की सारी जो है यहाँ पे इन्होंने हैंडवेयर की यूज़ की है, जो कि एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इस तरफ में जो है आपको मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम, जो कि आपके हॉल और एक बेडरूम के लिए, दो बेडरूम्स के लिए एक्सेसिबल रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, और यहाँ भी जो है आपको बढ़िया स्पेशियस वार्डरोब्स आपको यहाँ मिल जाती हैं। आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया और स्पेशियस है, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है आपको UPVC स्लाइडिंग पैनल्स के साथ में जो है विंडो मिल जाती है। बेड का साइज़ काफ़ी बढ़िया है, तीनों तरफ जो है स्पेसेस काफ़ी बढ़िया दे रखी हैं। सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें तो ऊपर भी जो है हमें फॉल सीलिंग मिल जाती है, और
एसी की फिटिंग भी जो है आपको हर एक रूम में मिल ही जाएगी, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। फ्लोरिंग पे अगर हम बात करें तो 3x3 की जो टाइल्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाती हैं नीचे की तरफ। इस तरफ में जो है वेंटिलेशन के लिए आपको जो है बालकनी मिल जाती है बढ़िया, काफ़ी अच्छी स्पेस में। वाटर टैप का ऑप्शन नीचे दे रखा है और आपकी एसी की आउटडोर यूनिट भी यहीं प्लेस हो जाएंगी। अब हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे किचन में एंटर हो जाएंगे एल शेप में। यहाँ पे जो है आपको ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में किचन मिल जाती है। हैंडवेयर की चिमनी इन्होंने यूज़ करी है। सारे स्टोरेज ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं, आप देख पाएंगे, ठीक है। और इस तरफ में जो है आपको आपके लिए क्रॉकरी बास्केट जो हो गई वो आपको मिल जाएगी, प्लेट्स के लिए रैक हो गया, और आपके चिमनी एवं आरओ की जो यहाँ पे जो है आरओ और गीज़र के लिए जो है वो आपको पूरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप अपना कुछ भी सामान स्टोर कर पाएंगे। यहाँ की सीलिंग की डिज़ाइन की बात करें, यहाँ पे भी फॉल सीलिंग आपको मिल रही है जो कि इसको एक बढ़िया लुक देती है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो आपको यहाँ पे दे रखी है, बहुत ही बढ़िया। किचन भी अच्छी स्पेशियस है। दोस्तों अब हम एंटर करते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी बढ़िया खूबसूरत इंटीरियर आपको यहाँ मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल हो या चाहे वार्डरोब हो, सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। सीलिंग के डिज़ाइन में आपको जो है फॉल सीलिंग मिल जाती है। फ्लोरिंग में पूरी टाइल आपको मिल रही है जैसे कि सेम कलर की। यहाँ जो है आपकी LED TV जो है उसके लिए वुडन पैनल आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ जो है आपको एडिशनल स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक छोटी सी वार्डरोब मिल जाती है और अटैच्ड वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है। और इस तरफ जो है आपको आपकी ड्रेसिंग टेबल पूरी बढ़िया वो आपको यहाँ मिल जाती है और आपकी वार्डरोब वुडन वार्डरोब जो है आपको इधर मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं वेंटिलेशन की बात करें तो उस रूम में, तो यहाँ पे जो है हमें वेंटिलेशन के लिए पूरी बढ़िया प्रॉपर विंडो के साथ में जो है आपको बालकनी मिल जाती है जो कि आपके कनेक्ट हो जाती है दूसरे बेडरूम की तरफ। बालकनी की साइज़ काफ़ी बढ़िया है, 40 फीट की रोड आपको बाहर बिल्डिंग के बाहर मिल जाएगी। वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, आपकी एसी की आउटडोर यूनिट्स भी जो है यहीं प्लेस होने वाली है। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे जो है थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम के इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरह से इंटीरियर आपको मिल जाता है। सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ भी फॉल सीलिंग आपको मिल जाएगी। पीछे की तरफ जो है वॉलपेपर का बढ़िया यूज़ किया है। विंडो आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर UPVC में। और यहाँ जो है यहाँ भी आपको विंडो मिल जाएगी विद वायर मैश और सॉलिड वुड में है जो ये जो बेड है जो कि इसको एक अच्छा लुक देता है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में जो कि आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। तो आप यहाँ का इंटीरियर देख सकते हैं, वार्डरोब वगैरह पूरी सब मिल जाएंगी आपको। सीलिंग की डिज़ाइन में सेम जो है अपने फॉल सीलिंग आपको यहाँ मिल जाती है। नीचे जो है आपको फ्लोरिंग में टाइल्स सेम और यहाँ पे आपको आपके LED के लिए वुडन पैनल आपको यहाँ मिल जाता है। और इस तरफ जो है आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम। और यहाँ मिल जाती है आपको बालकनी जिसकी हम बात कर रहे थे, कनेक्ट हो रही थी जो। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है ड्रेसिंग टेबल और इसके साथ में आप जो है यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे काफ़ी सारा सामान अपनी वार्डरोब्स के अंदर। तो दोस्तों ये थी इस पूरे फ्लैट की डिटेल्स। अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो 4BHK फ्लैट जो है मिलता है आपको 58 लाख रुपए के अंदर फुली फर्निश्ड। 3BHK मिलता है आपको 48 लाख रुपए में जो कि होगा 1404 स्क्वायर फिट का।
और 2 BHK जो है वो मिलेगा आपको यहाँ पे 38 लाख रुपए के अंदर, 1013 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ। और अगर आपको जो है ये साइट पसंद आती है और आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो जो नंबर है हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ जाइए, कॉल करिए, अपनी साइट अपनी जो है विज़िट बुक करिए और अपना जो है ड्रीम जो है घर वो आप अपना परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जो है अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें रियल इस्टेट की। और करना है आपको लाइक, शेयर और कमेंट में बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में।